नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017, इस चुनाव में हर दिन एक ऐसा दिलचस्प मुहावरा या परिभाषा सामने आ रही है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि ये वाकई सिर्फ चुनाव ही है या फिर तंज कसने की कोई प्रतिस्पर्धा। कल तक जनता के बीच थोड़ा कम नजर आने वाले चेहरे आजकल चुनावी सेना में नतमस्तक हैं। और खास बात और है कि राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के कल्याण का बक्सा शायद 11 मार्च को खोलेगा, लेकिन उससे पहले जिसकी किस्मत का पिटारा खुला है वो प्राणी है गधा। अब आप लोग भी गधे को गाली आप शब्द समझना बंद कर दें, इसकी अपनी एक खास और बड़ी राजनीतिक महत्ता है। और ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि वाइब्रेंट गुजरात में इस निरीह प्राणी को भी इज्जत बख्शी जाती है, लेकिन चुनावी नारों वादों के बीच में उत्तर प्रदेश के लोग और नेता ऐसी इज्जत से महरूम रह जा रहे हैं। बहरहाल, हर चरण के साथ हर पार्टी के थीम इश्यूज बदलते दिखे, क्या इस होड़ में वो मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं जिसके बारे में बात करने की जरूरत ज्यादा है। लोकतंत्र में आज इसी पर चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी प्रमुख पार्टियों के बड़े नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं और जनता को सब्जबाग दिखा रहे हैं। चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, यानी कि 209 सीटों पर तकरीबन मतदान हो चुका है, आधे से ज्यादा सीटों पर। 4 चरण अभी बाकी हैं, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अभी तक सिर्फ बयानबाजी ही होती दिख रही है। लोगों से जुड़े मुद्दे पर कहीं कोई बात होती नहीं दिख रही। जो 3 चरण का जो चुनाव अब तक हुआ है, अगर उस हर चरण के चुनाव प्रचार पर आप नजर डालेंगे गौर फरमाएंगे, तो हर एक पार्टी के जो चुनावी मुद्दे थे, चुनावी भाषा थी, जो एक पार्टी की फितरत थी, वो सीरत बदलती से नजर आई है। चाहे बीजेपी की बात कीजिए, गठबंधन की बात कीजिए, बसपा की बात कीजिए, हर चरण के लिहाज से शायद भाषा का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि हर कुछ किलोमीटर पर यहाँ की तहजीब, यहाँ की सभ्यता कुछ बदली से नजर आती है, यहाँ के मुद्दे कुछ बदले नजर आते हैं। तो हर उस चीज को लेकर ही क्या इस चुनावी भाषा का प्रयोग हो रहा है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं, उसके बाद चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ राजकुमार भाटी हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मोहसिन रजा हैं और सुरेश बहादुर वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। अच्छा जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। अभी तक समाजवादी पार्टी विकास की बातें करती आई थी, भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें करती आई थी, काम बोलता है कहती आई थी, अचानक गधों की बात बीच में कहां से आ जाती है? देखिए, चुनाव जब से शुरू हुए हैं और आज तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जितनी भी सभाएं की हैं, जितनी रैलियां की हैं, और उनके भाषण को आप गौर से सुने जी, वो पहले अपनी 5 साल की उपलब्धियां बताते हैं, फिर अगले 5 साल में क्या करेंगे अपने मुद्दे बताते हैं, चुनावी घोषणा पत्र बताते हैं जी। वो अपने मुद्दों से नहीं भटके हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में कहा था काम बोलता है, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मुद्दे से भटक रही है। सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोग 18% आबादी को एक टिकट तक नहीं देते उत्तर प्रदेश में, तो सबका साथ कैसे है जी। और जब ये कभी मंदिर का मसला उठाते हैं, कभी दूसरे धार्मिक मुद्दे उठाते हैं, तो ये विकास के मुद्दे से भटक गए हैं जी। हमारी पार्टी नहीं तो सर, इस सब के बीच में आपकी सुई फिर घूमकर गुजरात पर कैसे पहुंच जाती है, एक पशु के ऊपर कैसे पहुंच जाती है, वो फिर तंज कहां से उत्पन्न होता है? देखिए, 1 घंटे के भाषण में अगर 15 सेकंड 30 सेकंड कोई एक वाक्य आ गया, कोई प्रसंग आ गया, तो पूरे भाषण को उस पर केंद्रित नहीं, या पूरे चुनाव को उस पर केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए। भाषण को केंद्रित नहीं कर रहे, हमारे फोकस ही सिर्फ उस चंक पर है कि आखिरकार ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों, क्या सिर्फ लोगों को रिझाने के लिए, उनको लुभाने के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जब भाषण होता है 1 घंटे का और पब्लिक सुन रही होती है, तो बीच में थोड़ी बहुत ऐसी बातें भी कहनी पड़ती हैं ताकि पब्लिक बोर ना हो। अच्छा, आप अपने चैनल पे भी सुनने के लिए पब्लिक वहां पर आती है, आपको लगता है कि पब्लिक बोर हो जाएगी? आप अपने चैनल पे भी कई बार दिखाते हैं इस तरह के कार्यक्रम, दिखाते हैं जिससे मनोरंजन हो, जबकि ये न्यूज चैनल है, सारे न्यूज चैनल दिखाते हैं। अच्छा, तो कोई एकाध वाक्य अगर इधर उधर बोल दिया, कोई हंसी मजाक में छीटा कसी कर दी जी, किसी की अवमानना नहीं की है हाँ, कोई सांप्रदायिक या जाति मुद्दा नहीं उठाया है जी, कोई विकास के मुद्दे से भटके नहीं है जी, तो एक वाक्य वो भी वो प्रचार कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन और प्रचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने वहां पर तैयार किया ताकि लोग बोर ना हो, इंटरेस्ट उनकी बातें सुनते रहे। मोहसिन रजा साहब, बीजेपी की तरफ से भी चीजें ऐसी सामने आती हैं, तो आप भी क्या यही कॉकटेल तैयार करते हैं कि भाई लोग बोर ना हो, इसलिए ऐसा कुछ ह्यूमर डाल दिया जाए बीच में, ऐसी कोई बात डाल दी जाए बीच में ताकि चर्चा का विषय बना रहे, आपका मोटिव सॉल्व हो जाए? मोहसिन राव, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी जी? किससे पूछ रहे हैं?
मोहसिन जी आवाज नहीं आ रही भाई। सर सवाल मेरा यही था कि सभा की तरफ से कहा गया कि भाई कॉकटेल तैयार शायद किया जाता है जिसमें राजनीति भी रहती है, अपनी बात भी डिलीवर की जाती है, बीच में कुछ एंटरटेनमेंट फैक्ट भी डाला जाता है ताकि लोग बोर ना हो, और हो सकता है स्ट्रेटजी समाजवादी पार्टी की रही हो। बीजेपी क्या इसी स्ट्रेटजी पर चलती है जो ऐसे ऐसे जुमले, नई परिभाषाएं, स्कैम की परिभाषाएं सब सामने आती हैं? क्या पैटर्न वही है बीजेपी का भी? अनंत देखिए, हमारा शुरू से रहा है कि हम जनता के बीच में जब जाते हैं बहुत संजीदगी से हम जनता के विकास और जनता से जनता की मूलभूत परेशानियों पर ही बात करते हैं और उनसे जुड़े मुद्दों को ही उठाते हैं जी। हमारी पार्टी का कभी ये वो नहीं रहा है हमें एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, जब हम देश के चुनाव में थे तो देश की जनता के हितों की बात कर रहे थे, आज हम प्रदेश के चुनाव में हैं तो प्रदेश की जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। हम संजीदगी से उनके बीच में जाते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं तो वो भाषण नहीं होता है बल्कि उनके विचार होते हैं जो देश की और प्रदेश की जनता के प्रति कितना सीरियस और कितना गंभीरता से लेते हैं। यहाँ पर इस तरह के जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आज कर रहे हैं हमारे दूसरे दलों के साथी, ये हताशा है उनकी, ये हार है उनकी। हम हमेशा विकास जो भी चिंता होती है प्रदेश की जनता की, इसलिए बातें कही जाती हैं, तो शमशान और कब्रिस्तान वाली जब बातें आती हैं, इनके भीतर कौन सी चिंता छुपी होती है? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये चीजें जनता के बीच से ही निकल कर आती हैं हमारे बीच में। आप ये बताइए, हमारी सरकारें रही, पहले भी हमारी सरकार केंद्र में भी रही और उत्तर प्रदेश में भी रही जी। हमने कभी इस तरह की बांटने की राजनीति कभी किसी जब कोई भी जनहित के काम किए उसमें एक समुदाय और एक जाति को लेकर तो हमने काम नहीं किए। आप दिखा दीजिए हमारे, तो यानी कि आप लोगों ने सर्वे कराया था उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में कि भाई शमशान में दिक्कत है क्या है, कब्रिस्तान में दिक्कत क्या है, ईद के दिन क्या होता है, दिवाली के दिन क्या होता है, उसके बाद जाकर आप लोगों ने बजट तैयार किया। अब आप सुन लीजिए, अब आप मैं वहीं पर आ रहा हूं, मेरी बात दो मिनट अनंत सुन लीजिए कि ये सारी चीजें आप बार बार इसका प्रचार क्यों कर रहे थे, इसका प्रचार करने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही थी? इसका मतलब है एक विशेष समुदाय को आप लेकर चल रहे हैं और देश प्रदेश की जनता से आपका मतलब नहीं है। आपने उनको वोट बैंक के तहत खाली, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो वोट बैंक आपके साथ रहेगा, बाकी लोग उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं। हमने आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब जब हमारी सरकारें रही केंद्र में, अगर हम आपको बताएं हम कारगिल ले चलना चाहते हैं, कारगिल के दौरान पुरानी बात, इतिहास बहुत पुराना है मौसम साहब, कांग्रेस का इतिहास आपसे ज्यादा सत्ता में ज्यादा पुराना रहा है, आपसे वो गिनवाएंगे कि बहुत लंबी चर्चा चली जाएगी। संक्षेप में जानना चाहता हूं, एक समुदाय विशेष की आपने बात की, तो क्या प्रधानमंत्री के भाषण से नहीं झलकता कि उन्होंने भी एक समुदाय विशेष के बारे में बात करने की कोशिश की है? एक मिनट मैं आपसे लूंगा जी। मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, कारगिल में जब हमारी जवानों ने फतेह हासिल की, वहां पर केंद्र सरकार ने उनके परिवार जो शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को बाकायदा तरीके से पेट्रोल पंप दिए, वहां ये नहीं देखा गया। ताबूतों में कमीशन भी खाया गया था मोहसिन राजा साहब, जाति का है, कारगिल में ताबूतों में कमीशन भी खाया गया था। सुन लीजिए भाटी जी सुन लीजिए, नहीं वो सवाल बाजी में मोहसिन राजा साहब, अगर आप उस साल की बात करते हैं तो वहां से ये तथ्य भी जुड़ा है। मुख्यमंत्री के लोग या मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो वहां पर 40 लाख और फ्लैट देके आते हैं। अगर आप मथुरा आ जाइए वहां पर पुलिस के अधिकारी मारे जाते हैं तो उनके घर 20 लाख। इतिहास बहुत लंबा मौसम है साहब, फिलहाल हम लोग यथार्थ पर आज की परिस्थिति की बात करेंगे। एक रिपोर्ट पहले सर मैं वापस आऊंगा चर्चा पे, एक रिपोर्ट पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिरकार चुनाव के भाषणों से जुड़ी हुई, जुमलों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव में जारी घोषणा पत्रों में विकास की ढेर सारी बातें लिखी गईं। सभी राजनीतिक दलों ने सूबे की मसीहाई का बढ़ चढ़कर वादा किया, लेकिन जब वोट मांगने जनता के बीच ही नेता जा रहे हैं तो उन्हें जाति और धर्म में बांटना सिखा रहे हैं। राजनीतिक दल धर्म और जाति विशेष के प्रतिनिधि दलों में बदलते जा रहे हैं और विकास के मुद्दे कहीं गुम होते जा रहे हैं। आज श्रीमान अखिलेश जी ने आज सुबह वो मतदान करने गए थे, मतदान करने के बाद टीवी वालों ने जब उनसे पूछा, सुबह सुबह थी, इंसान कितना फ्रेश होता है, कितना तेज तर्रार होता है, उनकी उम्र भी तो ऐसी है, लेकिन मैंने टीवी पे देखा सुबह चेहरा लटक गया था। प्रधानमंत्री को बहुत चिंता रहती है
कि विरोधी लोग क्या कह रहे हैं, विरोधी लोग कहां पे क्या बोल रहे हैं। अभी सुना मैंने कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कभी प्रधानमंत्री ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर नपाना है। हम तो कहना चाहते हैं अभी तीसरे चरण का और चौथे चरण का चुनाव खत्म हो जान दो, सब बीजेपी के नेताओं का ब्लड प्रेशर नापना पड़ेगा। मोदी जी विकास की बात करते हैं, उनकी एक खूबियत आपको बताता हूं, जैसे ही मोदी जी को डर लगता है, जैसे ही उनके दिल में घबराहट होती है, वो नफरत फैलाना शुरू करते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से डराने की कोशिश करते हैं। सूबे के विकास की बात तो हर नेता कर रहा है, लेकिन किसी भी नेता ने सूबे के विकास के लिए कोई खाका अभी तक पेश नहीं किया और नेताओं के भाषण से ये साबित होता है कि किसी के पास कोई खाका है ही नहीं। दलित शोषित की सामाजिक आर्थिक हालत सुधारने के लिए कौन सी ठोस योजना है, इनकी स्थिति आखिरकार कब सुधरेगी, रोजगार और उद्योग धंधे शुरू करने की कौन सी ठोस योजना है, आरक्षित खाली पद कैसे और कब तक भरे जाएंगे। नेता सिर्फ यही बता रहे हैं कि फलाने को वोट ना दो, वोट बेकार जाएगा। हम मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश में खासकर बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए अपना वोट सपा व कांग्रेस पार्टी को ना देकर इन्हें एक तरफा अपना वोट केवल बीएसपी के ही उम्मीदवारों को देना है। यूपी में सत्ता में आने पर विकास का वनवास खत्म करने का दावा करने वाले शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि तेज रफ्तार विकास हुआ, उनको गुजरात के गधे याद आ रहे हैं। विकास के तीन चरण हो चुके हैं और अब तक 209 यानी आधी से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत मशीन में बंद हो चुकी है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जनता वोट के माध्यम से कुछ इस तर्ज पर सबक सिखा दे। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। रिपोर्ट आपने देखी है, तमाम पैनलिस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय अवस्थी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, आपका भी पक्ष में जाना चाहूंगा इसी बार को लेकर। बीजेपी से हमने बात सुनी तो बीजेपी का कहना यह है कि भाई एजेंडा हमारा यही रहा कि हम जनता की हित की बात करते हैं, उनमें कोई भी जुमला नहीं है। सभा कहती है कि भाई लोग बोर ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में ऐसी चीजें कहनी पड़ती हैं ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहे। कांग्रेस इस बीच में कहां है, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ है कि जो सपा कहती है उसी को यहां भी सपोर्ट करती है। अब तक सर मेरी आवाज पहुंच रही है भाई जी? देखिए ऐसा है जी कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो है जो मूल वजूद है उससे भटक गई है। भारतीय जनता पार्टी का उद्भव भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद का जो एक दौर चला उसके कारण हुआ था। आपको याद होना चाहिए कि 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है मात्र 2 सीट पर बची हुई थी। उसके बाद 89 जब आया और राजीव गांधी जी के खिलाफ कांग्रेस से ही निकलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक जो है देश के अंदर गैर कांग्रेसवाद का नारा देते हुए ये सारे लोग इकट्ठा हुए और गैर कांग्रेसवाद के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। आज कांग्रेस ने अपने बेहतरीन स्ट्रोक के माध्यम से गैर कांग्रेसवाद का परचम बुलंद करने वाली सबसे जो उत्तर प्रदेश की प्रबल और मजबूत दल था समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जी। अब आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जो है आधार नहीं बचा है कि वो एक कांग्रेस पार्टी के गठबंधन और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर उनके पास बोलने के लिए कुछ है। नहीं, विश्वास आपका बीजेपी के साथ अगर प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो विश्वास सपा पर जाकर टिकता है आपका, कांग्रेस के अपने जनाधार पर विश्वास अभी भी नहीं है।
देखिए कांग्रेस पार्टी इस बात को जो है हृदय से स्वीकार कर चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में उसको कमजोरी है, उसकी है जी। इस बात से हम डिनाई नहीं करते जी। और हमने लेकिन हमने पाया इस बात को कांग्रेस पार्टी के रणनीतिक जो है जो टेबल पे बैठते हैं उन लोगों ने पाया कि गठबंधन करके और खास तौर से गैर कांग्रेस वाद के नाम पर। अभय अवस्थी साहब, वह छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से क्या जो बहस अब होती है, क्या जो बातें चुनाव के दौरान कही जाती हैं, भाषणों के दौरान कही जाती हैं, वो असली मुद्दे होते हैं या फिर आप इस गठबंधन के सहारे और चुनावी जुमलों के सहारे आप चाहते हैं कि गैर कांग्रेस वाद का जो बीड़ा बीजेपी ने उठाया है, जो पिछले चुनाव में देखा कि कांग्रेस को कई जगहों से साफ भी बीजेपी ने कर दिया है, इस बूथ से आप बचा पाएंगे खुद को? हमने हिला कर रख दिया है, बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आप देख रहे हैं पूरे चुनाव में। प्रधानमंत्री होते हुए जी वो उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके का भाषण। अभय अवस्थी साहब, दरअसल विडंबना यही है कि वो चरित्र किसी एक पार्टी का नहीं है, वो हर पार्टी के साथ दिक्कत यही है कि आप लोग कहाँ की बातें कहाँ लेकर जाते हैं, कैसे पिछली बातें सामने आ जाती है, लोग समझ नहीं पाते। सुरेश बहादुर जी, आपके पास मैं आऊंगा सिर्फ एक सवाल के साथ, जो कि आमतौर पर जब लोगों के बीच हम जाते हैं तो उनके जहन से भी सवाल उठता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिन चीजों की लोगों को जरूरत है, जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो वाकई में सवाल उठकर खड़े हुए हैं लोगों के बीच में उनके विकास के लिए, सिर्फ वो सवाल दबते जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इतनी हावी है कि एक दूसरे की कमी को गिनाकर खुद खुश हो रही हैं पार्टियां। तो हमें गुजरात वालों को गोद लेने की उत्तर प्रदेश को जरूरत कहां से है? अवस्थी साहब, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। अवस्थी जी को जो है समझना चाहिए। अवस्थी साहब, वापस मैं लौटूंगा आपके पास सर। सुरेश जी, जी अनंत जी, जहां तक मूलभूत समस्याओं की बात है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जी, ये बुनियादी जरूरतें हैं जो प्रदेश की जनता को, किसी भी जनता को चाहिए जी। और जब राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं तो इन बुनियादी समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में लागू किया जाता है और ये माना जाता है कि अब इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है जी। बड़ी बड़ी बातें होती हैं लेकिन जब उनके घोषणा पत्र जारी होते हैं जी, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं जी, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में या प्रदेश सरकार के अगर कामकाज की चर्चा होती है तो उसमें कहा जाता है कि हमने 400 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं कब्रिस्तान के रिपेयर कराने में, कब्रिस्तान को बनाने में जी। देखिए, और सीधी सी बात, जब ये बात कही जाती है तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात हो जाती है कि वो तुरंत ही जो है वो शमशान घाट की बात करने लगते हैं जी। कहीं ना कहीं ये मतों के ध्रुवीकरण की जब शुरुआत हो जाती है तो सभी राजनीतिक दल अपने मतों के ध्रुवीकरण में जुड़ जाते हैं जी। अब फिर उसके बाद जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जाता है आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो जाता है, अब बड़ा पर्सनलाइज लोग हो जाते हैं जी। अब जरा जुमलों में देखिए, सभी राजनीतिक, मैं एक किसी व्यक्ति एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्टैंड को सही ठहराते हैं लेकिन करते उसी एक भंवर जाल में फटते जाते हैं। कोई स्कैम की या स्कैम की कई परिभाषा देता है हाँ। सभी राजनीतिक दल, कभी भाजपा कुछ कहती है, समाजवादी पार्टी कुछ कहती है, कांग्रेस पार्टी कुछ जाती है, स्कैम की स्कैम को परिभाषित करने लगते हैं जी। कहीं कोई बीएसपी को परिभाषित करने लगता है हाँ। कहीं कोई दामोदर नरेंद्र मोदी, लेकिन अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपनी परिभाषा की परिस्थिति क्या होती है उसके बारे में शायद बात नहीं की जाती। राजकुमार जी, आपके पास मैं आऊंगा कि क्या तीन बड़ी चीजें मुझे आप बता दीजिए सपा की तरफ से, जो आपके मैनिफेस्टो में सबसे पहले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक तो सुरेश बहादुर जी ने अभी कहा कि जो बात करते हैं बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की, कोई काम नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें हमारी सरकार का, और हमने अब जो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं जी, वो वादे किए हैं जिन्हें हम काफी हद तक पूरे कर चुके हैं जी। अगर हमने किसानों के लिए कहा कि हम 7.5 लाख रुपए बीमा राशि बढ़ाएंगे हाँ। तो हम पहले 5 लाख कर चुके हैं पिछले कार्यकाल में हाँ। अगर हमने कहा है कि हम किसानों को फ्री पानी दे रहे हैं जी, कोई प्रदेश है इस भारतवर्ष में जो फ्री हाँ। सिंचाई के लिए पानी दे रहा हो? ठीक है। अगर हमने बिजली के मुद्दे पर कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे हाँ। तो हम 18 घंटे दे के दिखा रहे हैं गांवों को बिजली जी, शहरों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ठीक है। अगर हमने कहा कि हम ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाएंगे लखनऊ से और नेपाल बॉर्डर तक, तो हमने आगरा से लखनऊ तक 22 महीने के अंदर बना के दिखाया है। ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ समाजवादी पेंशन देंगे 1 करोड़ महिलाओं को जी, तो हम 55 लाख को दे रहे हैं। ठीक है। हमने लैपटॉप बांटे हैं इसलिए स्मार्टफोन की घोषणा की है। ठीक है। हम पहले बांट चुके हैं लैपटॉप, इसलिए स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि किसानों को, तो हमारा कोई वादा हवाई नहीं है, पानी देने की बात आपने कही है, किसानों की आपको, आपकी सरकार में फ्री पानी दिया गया है, बिजली आपको मुफ्त मुहैया कराई गई है, उसके बावजूद क्यों सूखे से किसान पीड़ित रहा, क्यों किसान को आत्महत्या करनी पड़ी, वहां क्या हुआ फिर?
देखिए, अगर किसानों की जब हमारी सरकार आई थी, सबसे पहले हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि किसी भी किसान की कर्ज की वजह से जमीन नीलाम नहीं होगी और किसी किसान को बंद नहीं किया जाएगा। राजकुमार जी, सबसे पहले आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जिस वक्त आपकी सरकार बनी थी, देश के 5 पहले राज्यों में उत्तर प्रदेश मौजूद था कि जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है। हर 1000 में से 586 किसानों के ऊपर तकरीबन कर्जा है। जो प्रति माह की आय है किसान की, अगर सिर्फ किसान की बात करते हैं, तकरीबन 4900 रुपए है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही हर किसान के ऊपर तकरीबन 28000 रुपए का कर्जा है। ये किसानों की हालत है आपकी 5 साल के कार्यकाल के बाद, जबकि आपने फ्री पानी दिया, किसान की फसल सूखी, किसान ने आत्महत्या की। आपने बिजली दी, किसान की फसल सूखी, किसान ने आत्महत्या की। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो आपका ये भी कहता है। अनंत जी, जो मैं बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा की थी, उससे पहले 2500 रुपए के लिए, कर्जे के लिए किसान को बंद कर दिया जाता था हवालात में, और उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। उन्होंने घोषणा की थी कि अब किसी भी किसान की जमीन कर्जे की वजह से नीलाम नहीं होगी। पूरे 5 साल में किसी की जमीन नीलाम नहीं हुई, किसी किसान को बंद नहीं किया गया। किसानों को इतनी राहत हमारी सरकार ने दी है, और जो सिंचाई के लिए फ्री पानी दिया, उससे किसान को कितनी बड़ी राहत मिली है। गांव में अमीन आता था, बड़े बड़े जमींदार आपके पास, अगर कोई आंकड़ा आप मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं मोहसिन रजा साहब के पास चलूंगा। कितनी राहत मिली राजकुमार जी? जी, कितने प्रतिशत किसानों को आपने फायदा पहुंचाया? किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, उन किसानों की जिनको आप फ्री पानी पहुंचा पाए, कितनी बढ़ पाई? देखिए, इस दौरान में कृषि उपज बढ़ी है, दूध का उत्पादन बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में आपका कृषि का रकबा घटा है। दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे इन्हीं 5 सालों में हुआ है। हमारी कामधेनु डेयरी योजना के तहत 5-5 करोड़, 2-2 करोड़, 1-1 करोड़ किसानों को कर्जा दिया गया है गाय पालने के लिए बिना ब्याज के। जी, तो किसान के लिए इतनी बड़ी राहत दी है। और अभी हमने घोषणा हमारी पार्टी ने की है कि जिस तरह बीमार व्यक्तियों के लिए एम्बुलेंस जाती है, उसी तरह आगे से पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस जाएगी। किसी की गाय या भैंस बीमार होती है किसान की, कि आपकी तो डॉक्टर गांव में जाके उसका इलाज करेगा, भैंस गाय को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मोहसिन साहब आपके पास मैं आता हूँ। 5 साल में किसानों की आय दोगुनी करने की आपने बात कही है, कोई आर्थिक तौर पर आंकड़ा है बीजेपी के पास कि प्रदेश के पास कितना फंड है, कितने प्रदेश कितने फंड की हमें केंद्र सरकार से जरूरत होगी, कितने किसान है, कितना पैसा और बढ़ेगा, कितना बोझ और बढ़ेगा? देखिए, अगर हमारी सरकार, मैंने कहा ना कि हमारी सरकार होती तो हम तो बहुत कुछ कर देते हैं, और अब जब हमारी सरकार आएगी तो हमने जो मैनिफेस्टो में, जो अपने संकल्प पत्र में कहा है, वो सब हमारी नकल करने लगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सब ये हमारी नकल करते घूम रहे हैं। इनके पास कोई रोड मैप नहीं था, इन्होंने हमारे ही जो मैनिफेस्टो है, पहले घोषणा पत्र हमारा आया, बाद में आपका आया, नकल हमने कर ली। सुरक्षा की बात पहले हमारा जारी हुआ, आप तो अपने का जिक्र ही नहीं कर पाए। आप अपने का जिक्र ही कहाँ कर पाए? आप लोग कुछ मुद्दे ही नहीं आपके पास है। इनका तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये घोषणा पत्र वाले नहीं है, इन्होंने फैशन चेंज कर दिया है, पड़ी हुई है, संकल्प की बात की, 70 लाख हमने नौकरियों की बात की, सह नौकरी और सहयोग रोजगार के तहत हम 70 लाख नौजवानों के लिए नौकरी लाएंगे। जैसे केंद्र में 2 करोड़ दिए हैं आपने हर साल सुरक्षा, जैसे केंद्र में 2 करोड़ दे चुके हैं आप तक शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ। शिक्षा के, सुन लीजिए भाटी जी, परेशान मत होइए, नहीं तो झूठे वादे क्यों करते हैं साहब? आपने, आपका जो सबसे पहला शब्द था कि भाई अगर केंद्र जवाब दे रही है, परेशान मत होइए, केंद्र सरकार ने अपने घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा किया हो, आपके घोषणा पत्र पे कोई विश्वास करे? महिलाओं के लिए, खास करके जो बच्चियों के लिए, जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, उनको ग्रेजुएशन तक फ्री मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। वो सब चीजें हैं कि अगर आपकी, अगर आपके राज्य में सरकार बनती है, मैं पूछना एक बात और चाहूंगा सुरेश मोहसिन साहब की, वो क्या ये कहना सही है कि आप इस बात को मानते हैं कि भाई चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, केंद्र सरकार की भावना यही है कि राज्य के लोगों की सहायता की जाए? सॉरी, क्या केंद्र सरकार की भावना यही है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, किसी भी हालत में राज्य के लोगों की सहायता की जाए, यही भावना है आपकी भी? केंद्र सरकार हमेशा से हर राज्य के साथ करती आई है। तो फिर आपको राज्य में सरकार आने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? अगर आप इसी भावना के साथ रहते हैं तो बात आप पूरी होने दीजिए। अगर आप इसी भावना के साथ रहते हैं मोहसिन साहब, तो राज्य में सरकार आने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? 2 करोड़ रुपया ज्यादा दिया है। सॉरी सर, अगर आप इसी भावना के साथ रहते हैं तो फिर राज्य में सरकार आने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? जो भी आप योजना लागू करना चाहते हैं, राज्य सरकार को फंड दीजिए, राज्य सरकार से इंप्लीमेंट कराइए। किसानों की चाहे भला चाहते हो, चाहे आप महिलाओं कन्याओं का भला चाहते हो, अनंत केंद्र सरकार पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है, एग्जीक्यूशन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ये कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें अगर करेंगे तो इनको पता है कि वहां से चेक एंड बैलेंस वाली बात है, ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज्यादा पैसा इन्होंने वापस किया है। जी चलिए ठीक है,
सुरेश जी आपके पास मैं आता हूं कि वादों की झड़ी इस वक्त लगी हुई है, लग रहा है कि जैसे हाथ में सरसों उगाने की बात हर राजनीतिक दल कर रहा है। चुनाव के बीतते 11 तारीख के बाद अब तक का अनुभव का क्या रहता है कि कितने वादे जमीन पर टिक पाते हैं? देखिए आनंद जी, पहले तो मैं भाटी जी को स्पष्ट कर दूं कि मैंने उनके सरकार की तो सफलता असफलता की बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ मूल समस्याओं की बात बताया थी। 5 मूलभूत समस्याएं होती हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए जी। दूसरी बात, जहां तक चुनाव की बात होती है, अनंत आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद ऐसे सब्जबाग जनता को दिखाए जाते हैं, ऐसे सब्जबाग दिखाए जाते हैं कि जिन पे एक बार विश्वास करना ही मुश्किल होता है जी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस सब्जबाग दिखाने के चक्कर में आदमी अपने मूलभूत जो स्वभाव होता है उसको भूल जाता है जी। यही आज भी हो रहा है, जनता को ऐसा लग रहा है, जनता को ऐसा बताया जा रहा है कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो बिल्कुल यहाँ जो स्थितियां है बिल्कुल आदर्श राज्य बन जाएगा, राम राज्य यहाँ पर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। व्यवस्थित जी आपके पास मैं आता हूँ कि घोषणा पत्र अगर किसी भी पार्टी का देखा जाए तो तस्वीर ऐसी नजर आती है कि प्रदेश बहुत आदर्श बन जाएगा, लेकिन जैसे ही नेता पहुंचते हैं लोगों के बीच में अपने भाषण देने के लिए तो हर भाषण में कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट ये जरूर रहता है कि लोगों को जाति के आधार पर धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश जरूर की जाती है, तो इस चीज से निजात पाना कहां तक संभव है? राजनीतिक दल से आप संबंध है तो बेहतर तरीके से प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए ऐसा है कि घोषणा पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दस्तावेज होता है जी। कांग्रेस पार्टी जब लोकतंत्र इस देश में लेकर आई तो चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र के प्रचलन को किया गया, लेकिन हुआ क्या, होते होते आखिर आज की राजनीति यहां पर आके खड़ी हो गई कि बहुजन समाज पार्टी तो घोषणा पत्र की संस्कृति से जो है अपने को अलग कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आइए तो राष्ट्रीय दल कहा जाता है, सत्ताधारी दल है, इन्होंने भी घोषणा पत्र नाम से, क्योंकि कांग्रेस का दिया हुआ ये नाम है तो इन्होंने घोषणा पत्र से अपने आप को अलग कर लिया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में नया प्रयोग शुरू किया संकल्प पत्र जी। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इन्होंने माघ मास में इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया जी। माघ मास कहा जाता है इलाहाबाद में जहां कुंभ नगरी है, माघ मास में संकल्प किया जाता है कुशा लेकर, और वो शुक्ल पक्ष का जो संकल्प होता है वो तो वास्तविक होता है जी। लेकिन जो कृष्ण पक्ष में घोषणाएं होती हैं या संकल्प होता है वो जो है अछूत माना जाता है या अशुद्ध माना जाता है। इन्होंने कृष्ण पक्ष में एक संकल्प जारी कर दिया जो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अशुद्ध है और वो अमान्य है। इनका संकल्प पत्र ये आध्यात्मिक नजरिया हुआ चीजों को देखने का, लेकिन सवाल मेरा अलग था। आप ही की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी है, वो कब्रिस्तान के बारे में बात करती है, बीजेपी आती है वो शमशान घाट के बारे में बात करती है, तो जाति के आधार पर धर्म के आधार पर वर्ण के आधार पर बांटने की बातें हर जगह होती हैं। सवाल मेरा यह था कि चूंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से संबद्ध हैं तो क्या यह संभव है कि इस बंटवारे के बिना राजनीति करने में सक्षम हो पाए लोग? देखिए चुनाव का ये एक तरीके का जो है ये छौंका होता है और मैं आपको एक तकनीकी बात बता दे रहा हूं कि चुनाव का जो हिडन मुद्दा होता है वो मतदाता के हृदय में होता है जी। और उससे वो विचलित नहीं होता है, ये तो भीड़ जुटाने के लिए ताली बजवाने के लिए ये छोटे मोटे छौके जो है ये राजनीतिक दल और खासतौर से बीजेपी वाले तो इसमें महारत हासिल किए हुए। स्मृति ईरानी जी बोल रही है कि दो लड़के आपस में मोहब्बत कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी भाषा है? लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना यह है कि देखिए मैं मूल मंत्र आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता जो अपेक्षा है, जो हृदय में हिडन एजेंडा में उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवा दिया? मैं भारतीय जनता पार्टी तो सर मैनिफेस्टो में है उनके, मोहसिन साहब से बात का जवाब मैं चाहूंगा, उससे पहले सुरेश बहादुर जी आपके पास मैं आऊंगा। देखिए अभय जी, अभय अवस्थी जी ने बहुत ईमानदारी के साथ सादगी के साथ स्वीकार कर लिया कि ऐसे छोके जरूरी होते हैं, उसी के आधार पे उत्तर प्रदेश का मैनिफेस्टो है। बिल्कुल अवस्थी जी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास सर मैं वापस लौटूंगा। सुरेश जी, बहुत सहजता के साथ अवस्थी जी ने स्वीकार किया कि राजनीति में ऐसे छौके जरूरी होते हैं, ऐसे छौक लगाकर ऐसी बातें कहकर आप लोगों को आकर्षित तो कर ले जाते हैं, लेकिन लोगों के बीच में इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या इसको भी देखना बहुत जरूरी नहीं होता? देखिए अनंत जी,
अवस्थी जी स्वीकार कर रहे हैं कि छोंक लगती है, असल में सच्चे अगर देखा जाए तो धर्म और संप्रदाय की राजनीति का असली शिकार कोई हुआ है तो कांग्रेस पार्टी। छोंक अगर देसी घी का लगे उत्तर तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद जब से कांग्रेस चली गई। अवस्थी जी जरा सुन ले, अवस्थी साहब, अभय जी, बदबू उठेगी। अवस्थी जी, अवस्थी जी वापस मैं लौटूंगा आपके पास सर। अवस्थी जी जरा सुन ले, लेकिन जो है ये मक्खी का तेल और का छोंक नहीं, देसी घी का तड़का लगा। बिल्कुल साहब, ठीक है, आप अपने स्वाद अनुसार आप राजनीति कर रहे हैं, हर पार्टी यही करती है। वापस मैं आपके पास लौटूंगा। सुरेश जी, अनंत जी, ये 1989 से छौका लगा रहे हैं जी, और आज छौका लगाते ही जरूरत इनको पड़ गई समाजवादी पार्टी की जी। बात सारे और हमारे उत्तर प्रदेश में अंतिम विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी हुए थे, उसके बाद विकास पुरुष कई हुए उत्तर प्रदेश बताए गए, लेकिन उनके शासनकाल में ना तो कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ना कोई बड़े काम हुए जी। कारण बहुत साफ था, 1989 के बाद राजनीतिक दल भले हमेशा डिनाई करते लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ धर्म और सांप्रदाय पर चली गई जी। 1984 में आपका बहुजन समाज पार्टी का गठन हो गया जी। आप 93 के बाद ये हमारी समाजवादी पार्टी का गठन हो गया। कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक था, चाहे वो दलित रहा हो चाहे मुस्लिम रहा हो, दोनों इनसे छिटक गया, एक बसपा की तरफ दौड़ा और एक निर्विवाद रूप से मुलायम सिंह उसके नेता होगा, जो आज भी अल्पसंख्यक में स्वीकार नेता है जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से धर्म और जात के आधार पर बट गई। और आज तक जब भी कोई बात करता, मैं शायद आपसे पहले भी संवाद कर चुका हूं, मैंने बताया कि शुरुआत जब चुनाव की होती है तो विकास कार्यों की होती है, और विकास कार्यों की बात होते होते फिर कहीं ना कहीं धर्म और संप्रदाय की बात होती है। देखिए, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी, आप धर्म कहते हैं कि हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करती है जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सपा का गठबंधन किस लिए हुआ है? सिर्फ अल्पसंख्यक मतों को एकजुट करने के लिए, अल्पसंख्यक मतों में बंटवारा ना हो जी। इस गठबंधन से कहीं समाजवादी पार्टी को कोई फायदा उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ। इसका फायदा, लेकिन हाँ, कांग्रेस की साख का फायदा, कांग्रेस की साख का फायदा जरूर बहुत समाजवादी पार्टी उठाएगी, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जमीनी आधार का फायदा। ठीक है सुरेश जी, वापस लौटूंगा। राजकुमार जी, आपका कहीं ना कहीं मतों का ध्रुवीकरण ही यहाँ होता रहा, सच्चाई बन चुकी है। बिल्कुल सही बात है राजकुमार जी। देखिए, जो सुरेश बहादुर जी कह रहे हैं उसमें दो बातें होती हैं। लोकतंत्र में जहां संविधान का कानून का राज हो, अल्पसंख्यक समाज के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उनकी हिमायत करना, उनको आगे बढ़ाने के अवसर देना जी, उनको उनके हित के लिए फैसले करना जी, ये कोई जातिवाद या सांप्रदायिकतावाद नहीं है। ठीक है, सांप्रदायिकतावाद जातिवाद होता है बहुमत का। हाँ। अगर आप बहुमत का सांप्रदायिक, बहुमत को सांप्रदायिक बनाते हैं तो देश के लिए खतरनाक है। लेकिन किसी को हक देने की बात, लोकतंत्र की सफलता इसी में आकी जाती है कि कोई देश अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव करता है। ठीक है, पिछड़ों और दलितों के साथ कैसा बर्ताव करता है। ठीक है, जब हम पिछड़ों को न्याय देने की बात करते हैं, दलितों को न्याय देने की बात करते हैं हाँ। तो वो जातिवाद नहीं है। ठीक है, तो सर लेकिन दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान करने के लिए कोई ठोस प्लान है आपके पास? नहीं, बिल्कुल, समाजवादी पार्टी तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता दो स्तंभों पर खड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी की तो गहरी आस्था समाजवाद में, सामाजिक न्याय में और धर्मनिरपेक्षता में। जिन लोगों को आपके हिसाब से सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता, जो कि आप दलितों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी बात करते हैं, तो उनको आगे लाने के लिए, मेनस्ट्रीम में लाने के लिए क्या योजना आपके पास है? सिर्फ कहते हैं चीजें कि कुछ चीजें ब्लूप्रिंट तैयार भी हैं कि भाई सरकार बनती है तो हम ये करके दिखाएंगे? देखिए, ये वैसे मैं कहूं, मैंने कहा समाजवादी पार्टी का संकल्प है, ये हमारे संविधान का संकल्प है, संविधान के उद्देशिका में लिखा हुआ है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय सबको देंगे। तो सामाजिक न्याय हमारे संविधान का उद्देश्य है, और जिस तरह संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था हुई है, विशेष अवसर दिए गए हैं शिक्षा में भी, नौकरियों में भी, उससे काफी हद तक पिछड़े सर, और रोजगार सृजन कितना हुआ है पांच साल में? आप कह सकते हैं कि नहीं बढ़े, उद्योग धंधे ठप होते जा रहे हैं, कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में, यही कानपुर के आपके कारखाने बंद होते जा रहे हैं, उसके अलावा कहीं भी जाइए आप, चीनी मिल लगातार बंद होती जा रही है। क्या किया, रोजगार कितना बना? चीनी उद्योग अगर संकट में है तो वो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण है जी। केंद्र सरकार चीनी का आयात करती है, चीनी बाजार में उचित रेट मिलता नहीं है हाँ। इसलिए मिल समय पर भुगतान नहीं कर पाती, उसका नुकसान किसान को उठाना पड़ता है जी। ये किसी प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में। केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण चीनी उद्योग संकट में है। मोहसिन साहब, आपके पास मांगा, उत्तर प्रदेश को कृषि प्रधान प्रदेश भी कहा जाता है, मेजर यहाँ पे पॉपुलेशन जो किसानों की है, गन्ना किसानों की है, अगर जो समस्याएं हैं वो सीधी केंद्र से जुड़ी हैं तो केंद्र तक निपटारा करने में सक्षम क्यों नहीं हो पाया?
केंद्र ने किसानों को हमेशा से ऊपर रखा है और किसानों के मुद्दों पर हमेशा केंद्र ने बहुत कहना चाहिए गंभीरता से काम किया है। और अगर आप पूरे आप देखें अभी केंद्र सरकार ने, अनंत मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, दो मिनट मैं चाहता हूं, बीच में इंटरप्ट ना करिएगा ना जी। अगर तो मैं केंद्र सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों का किया, उसमें उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का 6,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है उसके लिए भी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम 3 महीने के अंदर वो भुगतान करेंगे जी। हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने चीनी मिल मालिकों से मिलकर किसानों के साथ, खासकर गन्ना किसानों का पैसे का भुगतान नहीं कराया जी, और उनको सड़क पर किया ना उनके किसी आंदोलन में शरीक हुए जी, इन्होंने कोई मांग नहीं मानी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी भाटी जी कह रहे थे कि हम सर्वधर्म को लेकर चलते हैं और हम अल्पसंख्यकों के लिए ये करते हैं वो करते हैं, हम सुनाना चाहते हैं, कांग्रेस के साथी भी सुन ले जी और समाजवादी पार्टी के साथी भी सुन ले, और बहुजन के नहीं है तो वो सुन रहे हो तो सुन ले जी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके दौर में 10 साल तक टहलती रही, कभी इस टेबल पर कभी उस टेबल पर, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, वो अल्पसंख्यकों के लिए क्या कह रही थी और कितना आपने हमदर्दी कर दी उस रिपोर्ट को लेकर जी। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनको इस्तेमाल किया है वोट बैंक की तरह, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। सर, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी चाहती है, धर्म और जाति के नाम पर नहीं करते साहब, हम विकास के नाम पर चाहते हैं हर एक को जोड़ना, ठीक है, हम चाहते हैं देश और प्रदेश का विकास होना चाहिए। तय रखे हैं किसानों को कर्ज देने के लिए, जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर आप कर्ज देने की बात करते हैं किसानों को, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर कर्ज माफी की बात करते हैं। पहले तो मैं यही तस्वीर जानना चाहूंगा कि आखिरकार दोनों क्या सिर्फ इसी आधार पर कर्ज माफ या कर्ज दिया जाता है कि भाई गैर बीजेपी शासित राज्य है तो कर्ज माफ किया जाए, बीजेपी शासित राज्य है तो वहां पर कर्ज दिया जाए, पहली बात तो यही जानना चाहूंगा। दूसरी बात है कि सिर्फ कर्ज माफी से क्या होगा, क्या यह जरूरी नहीं है कि किसान की आय का स्रोत भी बढ़ाया जाए ताकि आगे किसान सस्टेन कर पाए, क्या इस बारे में आपने किसी और पार्टी ने सोचा कभी? ये असली पॉइंट ये है। नहीं, बिल्कुल सोचा है, बिल्कुल सोचा है, संकल्प पत्र में कहा है हम इनकी आय को दुगना करेंगे, हमने इनको ऋण देंगे तो उसमें भी हमने सब्सिडी देने की बात की है, हमने तो जितना भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है जी, किसानों के हित की लड़ाई जितनी भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी लड़ रहे हैं, आज तक कांग्रेस 65 साल की हुकूमत में आज जो ये दुर्दशा किसानों की है जिसकी जिम्मेदार तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। सवाल मेरी आपसे होगा, 2 साल से केंद्र में है अनंत जी, अनंत हम 2 साल से केंद्र में है जी, बाकी सालों से इन्होंने क्या किया किसानों के साथ, ये दोनों तीनों दल ने क्या किया है बताएं तो जी। आप 3 साल मैं बता रहा हूं, सारी बात मुझे मौका दीजिए, सांप्रदायिकता की बात की, हर बात आप मेरे ऊपर लाते हैं जी, आप हमारे पर क्यों लाते हैं, आप अपना बताइए कि आप सरकार में थे आपने क्या किया? ठीक है, नहीं लगा पाया, आप उसका जवाब यहां पर देना चाहते हैं, वापस आपके पास लौटूंगा। भय का माहौल, अभी अपनी बात आप रखें, समाजवादी पार्टी की सरकार के भय के माहौल में गंभीर बात, एक भी कोई यहां पर इंडस्ट्री नहीं लगी जी। ठीक है अभय जी, अनंत जी, अनंत जी, राहुल गांधी जी, जरा गंभीरता से सुनिए जी, राहुल गांधी जी इस देश में पहले नेता हैं देश की आजादी के बाद जिन्होंने जो है दो बातों पे बहुत जोर दिया। पहला तो यूपीए में जो है उन्होंने किसानों का 70,000 करोड़ कर्ज माफ किया, किसान आत्महत्या कर रहा था, ये राहुल गांधी के इनिशिएटिव पर हुआ जी। दूसरा भट्टा पारसोल आंदोलन याद होगा, सिरे से झूठ बोल रहे हैं आप, राहुल एकदम झूठ बात कर रहे हैं, वो कैसे माफ कर देंगे? एक नया सवाल, वैसे वाजिब है, अबे जी सवाल वाजिब है, विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि आलू की फैक्ट्री की बात राहुल गांधी ने जरूर शायद की थी। अवस्थी जी आप गलत बात बोल रहे हैं, अबे अवस्थी जी राहुल गांधी जी कैसे कर देंगे, राहुल गांधी जी सरकार नहीं है, अबे जी राहुल अवस्थी साहब सवाल सुन लीजिए, वहाँ पर राहुल गांधी जी ने तो मैनोफेस्टो वहाँ एक आदेश भी फाड़ दिया था प्रधानमंत्री का, अवस्थी साहब राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है, अबे अवस्थी जी आप लोग जबरदस्ती के लिए मंत्री मत करिए, मोहसिन साहब आपके पास लौटूंगा, सवाल में छोटा सा बर्बाद हुआ है, ऐसा सुन पाए हमारा सवाल तो बर्बाद हुए गरीब लोग, किसानों को आपने कुछ नहीं किया है, अंबानी को आपने अधिकार दिया है, मोहसिन साहब अब दोनों की बात समझने की जरूरत है, सर दोनों एक साथ बोलते रहेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आने वाली, नहीं मेरे सवाल नहीं आपके जवाब, किसान अपने उत्पाद का अभय अवस्थी जी गेहूं का किसान जो है अपने गेहूं का दाम
खुद तय करे। अब अवस्थी जी, सवाल मेरा सिर्फ ये है कि जो बाकी लोग अब तक कहते आए थे वही चीज मैं दोहरा रहा हूँ। इसमें एक मिनट रुकिए जी, एक मिनट रुकिए सर, मैं सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब देंगे तो बेहतर होगा। कि वो चाहते हैं कि औद्योगिक घरानों की तरीके से नहीं सर, अगर आप उत्पाद का जो अगर आप अनर्गर आरोप सर लगाते रहेंगे बिना किसी सवाल के तो बहुत बेहतर चर्चा नहीं जा पाएगी। सुरेश जी आपके पास मैं आता हूँ, पार्टी उसको स्वीकार करती। ठीक है सुरेश जी आपके पास मैं आता हूँ, जो बातें मेरी अव्यवस्थित से होने वाली थी उसके जवाब चाहूंगा। ठीक है मोहसिन साहब, वापस मैं लौटूंगा सर, वक्त आपको पूरा मिलेगा आपको। सुरेश जी, ऐसा क्यों होता है कि जब हम सीधा सवाल करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर उसको बरगलाने की कोशिश की जाती है? जो सवाल मेरा अव्यवस्थित जी से था, मैं चाहूंगा शायद आप बेहतर प्रकाश डाल पाए। आखिर कैसे संभव है कि राहुल गांधी किसानों का कर्ज माफ करा दें? क्या ये भी सिर्फ एक बात नहीं कि ताकि जनता आकर्षित हो सर, क्योंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चेहरा है कांग्रेस का? अरे किसानों का कर्ज माफ कराया 70,000 करोड़ आखिर सर, राहुल गांधी ने नहीं, सरकार ने किया था, लोगों ने डाल रखा है। अवस्थी साहब उसमें राहुल गांधी का रोल नहीं, सरकार का रोल था। आप राहुल गांधी जी को कह रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कर देंगे? अवस्थी जी की भावना समझिए, उनकी बात समझिए। राहुल गांधी सरकार है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है, उनका उनकी बात समझ लीजिए, उनका धर्म जान लीजिए। जहाँ तक गांव गरीब किसान नौजवानों की बात है, मेरा विनम्र निवेदन आपसे है कि बाकी लोगों की बात आप सब सुने, फिर आप जवाब दे तो बेहतर सर होगा। अनंत, ये गांव गरीब किसान बेरोजगार नौजवान जी, ये सभी राजनीतिक दलों की प्राथमिकता होती है और सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में इनके लिए प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं कि इनका हम विकास करेंगे। राजनीतिक दलों की रणनीति की प्राथमिकता होती है जी, ये बिल्कुल एक रणनीति। और आप कमोबेश अनंत उठा के अगर सारे सारे घोषणा पत्र सारे दलों के देख जालिए जी, तो इनके विचारों में भिन्नता होगी, इनके इनके आदर्शों में भिन्नता होगी, लेकिन कमोबेश किसान गरीब रोजगार बेरोजगार के लिए सारे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में समान घोषणाएं होती है जी, क्योंकि इनको हर वर्ग के मतदाता को हर वर्ग के मतदाता को लुभाना है। और जब तक सारे सबको एक माहौल नहीं बनाएंगे, एक अपने पक्ष में माहौल बनाना है। बिल्कुल वाजिब बात है सर आपकी, उन घोषणा पत्रों पर जी ये बुनियादी बात है बिल्कुल। और इसीलिए शुरुआती दौर में सभी सारी बात करते हैं जी कि अच्छा कभी कभी कुछ दल ऐसे कर लेते हैं जब उनको लगता है हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं तो ऐसी हवा भाई घोषणाएं कर देते हैं जिनका जिनका कुछ लेना देना ही नहीं होता है जनता से जी, ये भी होता है। ठीक है, अब अवस्थी जी आपके पास मांगूंगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया गया था गठबंधन के बाद में, उसमें कांग्रेस की सहभागिता कितनी है, कितने पॉइंट्स हैं जो कांग्रेस की तरफ से प्रपोज किए गए थे कि भाई सपा इसको साथ में आके शामिल करे? देखिए अगर किसानों पर आइए तो जो हमारा जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरकार बनने के बाद यूपी में होने जा रहा है जी, मैं आपको जो है पहले से बता रहा हूँ कि राहुल जी के पक्ष से किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार उत्तर प्रदेश में ये नया प्रयोग होने जा रहा है, इसको पक्की बात मानिए। दूसरा, सूदखोर महाजन भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने गांव ब्लॉक लेवल से लेके शहर लेवल तक जितने महाजनी करने वाले लोग हैं किसानों को 20-20% पर जो है सूद पर कर्जा दे देते हैं, फिर उनकी औरतों की असमत को जो है दबोच लेते हैं, उनको आत्महत्या करने। अब अवस्थी जी यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा सर, जो बातें आपने कही हैं, जो बातें आपने कही हैं कि कोई सबूत कोई प्रूफ इस बात का आपके पास है कि सिर्फ आरोप है? देखिए ये एक तरीके का, मैं आपको जान ले कि जो है ज्यादातर ये जो गांव के अंदर जो महाजनी का काम कर रहे हैं वो ज्यादातर आपको आप हम लोगों ने तमाम बुंदेलखंड में दौरा किया, हम लोगों ने तमाम जो है जगह जाकर इस चीज को पता किया, वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। मैं कोई आरोप पार्टी के पदाधिकारी पे नहीं लगा रहा हूँ, समर्थकों पे लगा रहा हूँ कि वो उस प्रवृत्ति के हैं कि किसानों को 20-20% तक जो है वो दे देते हैं और उसके बाद उनसे जो है जबरदस्ती वसूलते हैं, उनको दबोचते हैं, उनको तो आप क्या करेंगे आप, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप बीजेपी के समर्थकों को हटाकर गठबंधन के समर्थक वहां बैठाएंगे? सूदखोर महाजन के खिलाफ सूदखोर, ये इस पे कानून लाया जाएगा।
कि सूदखोर महाजन के खिलाफ, गैर लाइसेंस महाजनों के खिलाफ अगर हमारी गठबंधन की सरकार बस करिए तो उसमें लाया जाए। ठीक है अवस्थी साहब, वापस मैं लौटूंगा। राजकुमार जी आपके पास मैं आता हूँ कि किसानों के बारे में समाजवादी पार्टी बहुत काम कर बात कहती आई है और किसान नेता के तौर पर मुलायम सिंह यादव को समझा जाता था। मुलायम सिंह यादव तो संरक्षण की भूमिका में आ चुके हैं, अखिलेश यादव मेन स्ट्रीम में है, कैसे विश्वास करने लोग कि पिछले ऐसे पांच साल जिनमें की किसानों ने सूखा भी देखा है, किसानों ने आत्महत्या भी की है, 50-60-70-80 रुपए के चेक भी किसान ने देखे हैं, बिजली ना आना भी देखा है, लैपटॉप बढ़ते देखे हैं लेकिन लैपटॉप का चार्ज होते नहीं देखा। तो अब आगामी अगर सरकार आती है तो आखिरकार कैसे विश्वास करें कि वो सरकार काम करेगी बेहतरी के लिए? देखिए जहाँ तक चेक की बात है, आपने जो कहा 50-80 रुपए, सरकार ने एक पॉलिसी बना देती है कि किसी भी किसान को चाहे उसके पास एक बीघा जमीन है 1500 रुपए से कम का चेक नहीं दिया जाएगा जी, और उसी आधार पर दिए गए सर चेक बटे हैं लेकिन हम लोगों ने नहीं नहीं शुरू में एक सप्ताह जो चेक बटे थे उसमें इस तरह हमने ये भी दिखाया कि जैसे ही मुख्यमंत्री के पास शिकायत पहुंची जी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि किसी को भी 1500 रुपए से कम का चेक नहीं दिया जाएगा, न किसी को दिया गया। दूसरी बात, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किसान के हितैषी हैं, किसान के हित में उन्होंने काम किए हैं जी। हमारा मौजूदा जो घोषणा पत्र है उसमें भी बहुत सारे मुद्दे जी किसान के हित में हैं कि खेती को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध पालन दुग्ध को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जी, और ये इस तरह के अन्य उद्योग लगाए जाएंगे जो दूध पे आधारित होंगे, कृषि पे आधारित होंगे, ये सरकार की पॉलिसी में है। ठीक है सर, बिल्कुल इसी बात को हम लोग वॉच करेंगे कि अगर आप लोग को सफलता मिलती है चुनाव में तो कितनी चीजें हो पाती है। सवाल फिर उठेंगे जब आपके लिए आप फिर हाजिर रहेंगे। और सुरेश जी आपके पास मैं आता हूं, क्या राजनीति का दायरा सीमित होता जा रहा है कि जो हमने शुरुआत में बात भी की थी कि गरीब की बात करते हैं हम, किसान की बात करते हैं, सिर्फ यहीं तक वादे यहीं तक दावे सिमटे हो जाते हैं, फिर अगला चुनाव आएगा फिर यही मुद्दे उठेंगे, लेकिन इन 5 सालों में अगर कोई सरकार बनती है तो मुझे उम्मीद बहुत कम है कि इन मुद्दों की स्थिति को चेंज हो पाएगी। नहीं अनंत जी, देखिए बात तो आप जो कह रहे हैं सच बात है, चुनावी वादे पूरे करने पड़ते हैं, लेकिन एक चीज यहां ईमानदारी से कहना पड़ेगा कि चाहे जो हो, युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो वादे जो सरकार ने किए थे उन वादों पर काफी हद तक उन्होंने वो किसानों के बारे में जो किए गए वादे उन्होंने पूरे किए हैं जी। जहां तक अभी चेक वितरण की बात कर रही थी, हाँ शुरुआती दौर में चेक वितरण में धांधली हुई थी, गड़बड़ियां हुई थी, लेकिन प्रशासनिक गलती थी और उसको मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे जी। मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ जहां तक और राजनीतिक दलों की बात है, हाँ पूरे वादे नहीं हो पाते, कुछ कमियां तो हर राजनीतिक दलों में रह जाती है, लेकिन ईमानदारी से जी अखिलेश यादव ने काम किया। चलिए ठीक है सर, हम कुछ विराम देना होगा। सुरेश जी दरअसल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, मोहसिन रजा साहब, अवस्थी जी, सुरेश वादू जी, राजकुमार भाटी जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल सिर्फ इतना।